अमीर बनना है मेन मोटिव ये पैसा देख रहे हो ये चाहिए हमें तो अभी न्यू गेम स्टार्ट करते हैं ओके न्यू गेम awesome इसमें हमने पहले सबसे पहले प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उनको शेल्फ पे लगाना है और उनकी प्राइस ऐसी रखनी है कि हमें उसमें से प्रॉफिट हो और हम बैंक करप्ट हो जाएं, क्योंकि बैंक करप्ट होना एक बहुत बुरी बात है तो हम ओके दबा देते हैं ओके यहाँ पे हमने शायद अंदर जाना है शॉप के यस yes, ओके okay, तो ये शॉप में यार मेरा सेंसिटिविटी शायद थोड़ी ज़्यादा है मैं थोड़ी कम करके आता हूँ अब ठीक लग रहा है तो ये यहाँ पे ये हमारी छोटी सी दुकान है बाहर एक बारी चेक करके आते हैं बाहर क्या क्या है गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं बिल्डिंग्स वगैरह है। मतलब एक अच्छा हम नेबरहुड के आसपास ही हमारी सुपर मार्केट है सुपर मार्केट हमने अच्छा मतलब यहाँ पे हमने शायद रेंट पे ही ली होगी मुझे नहीं लगता ये हमारी खुद की बिल्डिंग है ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर टू इंट्रैक कैरी होल्ड टू कैरी हमने इंटरेक्ट करना है सिर्फ तो यहाँ पे अब हम कहाँ जाएंगे ऑर्डर गुड्स मार्केट पे ही करेंगे ऑब्वियसली ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर तो सबसे पहले हमारे पास ये सारे गुड्स हैं ये हमने सब खरीदने हैं भाई मुझे तो ये गेम फन लग रही है सबसे पहले इसको एड टू कार्ड कर लिया एड टू कार्ड कर लिया हर चीज़ का एक एक खरीद लेते हैं okay, ओके मैंने अपनी कार्ट खोल लेनी है अब ये मेरी कार्ट खोल गई मैंने हर चीज़ का एक एक डाल लिया था टोटल नाइन्टी सेवन अभी रिमेनिंग हमारे अब टोटल हमारे पास बैलेंस फिफ्टी डॉलर है भाई नहीं नहीं पैसे पूरे करके ही चलना है टॉल किप सीरियल यार मुझे लगता है सीरियल वगैरह चीज़ें बिकती है हैं जो चीज़ें नहीं बिकती ना ज़्यादा जो मेरे लगता है स्लाइस ब्रेड भी बिकती है यार आटा भी लोग लेते हैं सूसू शुगर शुगर पाउडर अभी हम नहीं लेते इसको अभी रहने देते हैं यार अभी ना हम ना सस्ता चलते हैं डेप्थ में नहीं जाना हमें अभी पैसा अपने पास रखना है तो ये ये दो चीज़ें ही अपने पास रख लेते हैं सिर्फ परचेज़ करते हैं चलो भाई भाई पर बॉक्सिस जैसे अराइव हो आ भी गए अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी आ हमारे हैं लेने ये हमारे पैकेजेस पड़े हैं ओ भाई साहब पिकअप ओपन ओए ओए इसमें ब्रेड है इसमें ब्रेड है क्लोज कैसे होता है अच्छा सी से क्लोज हो जाता है भाई साहब ये कितने मज़े की गेम लग रही है मुझे अच्छा तो इसको यहाँ पे एक बार कैसे रखना है कैसे रखना है बी से क्लोज आर से थ्रो जी से ड्रॉप प्लेस हाँ हाँ खोल के करना है भाई ये शेल्फ में ब्रेड वगैरह रख ली ये हमारा शेल्फ एक पूरा हो गया अब दूसरी इस बॉक्स का हम पता नहीं क्या करना है अभी तो इसको थ्रो ही कर दो वी कैन थ्रो हेयर ड्रॉप कर दो फिर इधर ओके अब इस वाले शेल्फ को खोलो इसको करो ओपन और यहाँ पे अब हमने करना है प्लेस ये बड़ी महंगी चीज़ें थी भाई थर्टी वन डॉलर की थी ये बारह बिक जाए बस ओके अभी इसको भी यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं थ्रो एम टी बॉक्सड इन ट्रैश कैन आउटसाइड ओके ट्रैश कैन ये रहा थ्रो कर दी बस हमने दूसरे वाला भी बॉक्स में फेंक आया जल्दी जल्दी इसको भी यहाँ से फेंक दो चलो सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अब हमने प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है ओके okay हो गया एवरेज कॉस्ट जीरो पॉइंट नाइन नाइन डॉलर्स और प्राइस इसकी जीरो पॉइंट नाइन नाइन है मतलब इसमें हमारा मार्केट प्राइस पे इतना है भाई मैं कह रहा हूँ शुरू में हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते हम ना आहिस्ता आहिस्ता पैसा कमाएंगे तो इसको एवरेज मार्केट में ये तीन डॉलर का बिक रहा है लेकिन हम इसे सिर्फ दो डॉलर में भेजेंगे टू पॉइंट नाइन नाइन डॉलर का प्रॉफ़िट दो डॉलर का प्रॉफिट तो होना चाहिए एक से भाई ओके okay कर दिया हमने इसे इसको भी कर लेते हैं चलो भाई उस पर अब प्राइस लगानी है हमने मार्केट प्राइस इसकी पाँच है हम इसकी रखेंगे फोर पॉइंट फाइव ज़ीरो बस बस इसमें अब हमें देख लेता हूँ मेरा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट वन पॉइंट फिफ्टी वन डॉलर है भाई मार्केट से सस्ता बेचेंगे ना हमारा ज़्यादा बिकेगा माल ओपन द स्टोर ओके स्टोर ओपन कहाँ से करनी है भाई साहब क्लोज है अभी स्टोर इसको कर लो ओपन ओपन होगी भाई हमारी स्टोर कस्टमर अभी फ्लैश की तेज़ी से आया भाई कस्टमर लो 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 सीरियल लो बड़ा महंगा पड़ा है मुझे मुझे लगता है मुझे काउंटर पे खड़ा होना होगा ओके okay, अब हमने क्या करना है इंटरेक्ट विद द काउंटर इंटरैक्ट ओके क्या करें भाई हम स्कैन अच्छा इसको स्कैन करना है ये मैंने सारा स्कैन कर लिया है आंटी जी के बैग में आ गया आंटी जी ने हमें रुपया दे दिया अच्छा कलेक्ट द राइट अमाउंट ऑफ चेंज बाई क्लिकिंग द मनी इन द कैश रजिस्टर अच्छा अच्छा ये कैश रजिस्टर मैं वहाँ कहीं देख रहा था क्या लिखा हुआ है कलेक्ट द राइट अमाउंट ऑफ चेंज बाई क्लिकिंग द अच्छा ठीक है आंटी जी का रिसीव्ड बीस डॉलर टोटल ये डॉलर चेंज पाँच डॉलर का आंटी को चेंज देना है फाइव पॉइंट जीरो टू यार ये सेंट्स सें, हैं ये डॉलर्स हैं डॉलर्स वगैरह आपके बारे में इतना पता नहीं है थोड़ा साबर करो फाइव okay. पॉइंट देना बस गिविंग फाइव बिल्कुल ठीक आंटी जी को अब ये देना कैसे अप्रूव अप्रूव को दबा के बिल, बिल्कुल सही दिया हमने ये स्कैन करो अब इसका इस, इसका कार्ड लो कार्ड यहाँ पे मेरे हिसाब से स्कैन होगा अंकल जी अपना कार्ड स्कैन कराओ एंटर द एग्जैक्ट अमाउंट टोटल टू पॉइंट नाइन नाइन डालनी है शायद अच्छा ठीक है ठीक है यही अमाउंट थी इसको भी स्कैन कर लो ये भी अंकल कार्ड दे रहे हैं इसकी भी टू पॉइंट नाइन नाइन है भाई बड़ी सेल होगी अपनी बड़ा पैसा आएगा इसके बाद देखना दुकान क्या बनाते हैं हम लोग अपनी पॉइंट नाइन नाइन ये भी हमने अंकल को भेज दिया आंटी जी यहाँ ही है। हैं आंटी जी भी कार्ड से पेमेंट करेगी वो आंटी पहले वाली आंटी ने कैश पेमेंट की थी फोर पॉइंट फाइव जीरो वही रेट है जो मैंने लगाए हुए हैं मार्केट में बहुत महंगी है हमारे पास वापस आएगा शुक्रिया आपका आप ना आइएगा भाई वो आंटी प्यारी थी आप प्यारे नहीं हो ओके okay, ये इसका कार्ड ले, ले लेते हैं इससे और इसकी भी पेमेंट है टू पॉइंट नाइन नाइन अगला भाई ओ भाई अंकल जी बड़ा सामान लेके जा रहे हो ओ हो हो बड़ा पैसा है आपके पास 14.98 पॉइंट नाइन अच्छा की से कर सकता हूँ मैं अपने नहीं नहीं कर सकता फोर्टीन पॉइंट नाइन क्योंकि की से अगर कर मैं करता ना थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाता है ये चलो चेंज कर सकते हैं Could नॉट फाइंड रैंस स्लाइस ब्रेड ओ नए प्रोडक्ट्स ख़रीदने पड़ेंगे भाई दुकान बंद कर रहा हूँ मैं आंटी जी दुखी हो रही हैं परफॉर्म चेकआउट्स एलेवन तो कर ली है अभी भाई, भाई भाई बस अभी मैं काउंटर पे और काम नहीं कर सकता सामान ही नहीं है भाई हमारे पास अच्छा टोटल हमने देखते हैं अब कितना हमने कमाया एक बार ये देखना पड़ेगा अच्छा वो आंटी कह रही थी रैंस की कोई स्लाइस ब्रेड नहीं है ये रैंस की स्लाइस ब्रेड है एक ले लो ठीक है ये भी एक ले लो इस बारी ना हम अपने प्लास फ्लोर भी रख लेते हैं पता है मैं इसको ख़रीदने के काबिल हो गया हूँ या नहीं ये तीन चीज़ें रख ली हैं अब जाके देखते हैं भाई फिफ्टी सिक्स मैंने कमाया है छः डॉलर का टोटल प्रॉफिट मुझे हुआ है तो मुझे ना थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा हालांकि मुझे छः डॉलर का प्रॉफिट हुआ है अभी रिमेनिंग थर्टी फोर है भाई और चीज़ें भी मंगवाते हैं ऐट टू कार्ट ऐट टू कार्ट ऐट टू कार्ट अब देखते हैं कितना पैसा बचा अपने पास सारा पैसा माइनस सेवन में चले गए एक चीज़ हज़ार सेवन डॉलर की कुछ थी अब मेरे पास जीरो पॉइंट ट्वेंटी फोर मतलब ट्वेंटी फोर सेंसर रह गए हैं मेरे पास भाई परचेज़ करो अन्नी बात नहीं है बड़ी कमाई करनी है भाई बड़ी कमाई करनी है पैसा कमाना चलो भाई कैंट फाइंड एनी थिंग और चुप कर भाई दुकान बंद करते हैं यार वरना ये तो यही मोहल्ले वालों को कहेंगे खाली दुकान खोली हुई है इन्होंने भे ओए हुए टावर बना दिए हो सूरज दिख तो नहीं रहा सूरज कहीं पता नहीं दिखता भी है नहीं ओ हम जम्प भी कर सकते हैं मुझे नहीं पता था इतनी ऊंची जंप का हम मल्टीपल बॉक्सेस नहीं उठा सकते अच्छा मेरे पास अब एक आइडिया है हम यूं पिकअप करके यहीं से जाएंगे और यहीं पे प्लेस करते जाएंगे भाई रात भी हो गई है टर्न ऑन द लाइट्स यूजिंग द स्विच ऑफ द वॉल शॉप मैं अभी क्लोज़ ही रखता हूँ भाई इतना अंधेरा हो गया भाई कोई रोशनी नहीं है स्क्रीन की रोशनी है ये मेरे हिसाब से यही स्विच है हाँ ठीक है ओ भाई हाय हाय अब देखते हैं ना रात में हमारी दुकान बाहर से कैसी लग रही है भाई, भाई सुपर मार्केट अच्छा ये सारा सामान एक तो हमने ब्रेड तो रख दिया अब आगे भी सामान रखते हैं एंटर टू फिनिश द डे ओके हमारा फर्स्ट डे फिनिश हो गया है भाई और हमने काम नहीं करना पहले दिन एंटर टू फिनिश द फर्स्ट डे वन स्टैटिक्स अब हम देखते हैं कस्टमर सेटिस्फाइड दस कस्टमर प्रोडक्ट्स नोट फाउंड छे क्योंकि वो हमने दुकान बाद में बंद करनी पड़ी हमें मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं फाउंड एक्सपेंसिव हम नहीं वो एक्सपेंसिव कैसे ही फाइंड करेंगे भाई मार्केट प्लेस से हम चीज़ें कम दे रहे हैं इतना प्रॉफिट फ़िलहाल शुरू में नहीं कमाएंगे ना अपनी स्टोर के क्या कहते हैं ये देखा स्टोर लेवल बढ़ रहा है ना स्टोर की रेपूटेशन बढ़ जाए मैं यही सोच रहा था मुझे ये पता नहीं था कि लेवल्स होते भी हैं और हमारे पास है प्रोडक्ट्स फाउंड ये तो हमने कर लिया टोटल कस्टमर्स सिक्सटीन हो गए ठीक है प्लस देखे भाई सप्लाई कॉस्ट इनकम रेंट वग़ैरह टोटल प्रॉफिट माइनस फोटी नाइन ओए होए माइनस में जा रहे हैं भाइयों चीज़ें महंगी पड़नी पड़ेगी स्टार्ट नेक्स्ट है भाई आज मेरा काम है कि आज चीज़ें वगैरह ना महंगी करेंगे ओए वो मुझे कोई मैसेज आया था मैंने पढ़ा ही कोई नहीं अच्छा मैंने सारे बॉक्सेस डाल दिए थे अब दुकान अपनी ओपन करते हैं भाई ओपन करो दुकान और नहीं 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 नहीं, नहीं 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 रेट तो डाला ही नहीं इनका फ्लोर का भी टैग तो डालो मुफ्त में ले गए तो फ्लोर मार्केट रेट फ्लोर का तीन डॉलर है थ्री पॉइंट सेवन वन तो अब मेरे पास एक आइडिया है थ्री पॉइंट फिफ्टी मार्केट रेट से हम सस्ता ही बेच रहे हैं ब्रो थ्री पॉइंट सिक्सटी फाइव कर देते हैं भाई प्रॉफिट इसमें मेरा होगा ऑलमोस्ट टू पॉइंट एटी सिक्स डॉलर का ओके प्राइस इसकी ये है मार्केट प्राइस चार डॉलर है हम कर देंगे फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव मार्केट से फिर भी फाइव नहीं फोर पॉइंट सेवन फाइव मार्केट से अभी भी हमारा सस्ता है प्रॉफिट इसमें हमारा बन रहा है तीन डॉलर का भाई ये आटा ये क्या चीज़ है शुगर पाउडर अच्छा शुगर पाउडर हमें को आटा तो ये है ना ये हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है फिलहाल अच्छा इसके वही पुराना वाला रेट लगा हुआ है थ्री पॉइंट नाइन सिक्स है ना हम इसको कर देते हैं तीन डॉलर का तो कम से कम कर दे बंदा भाई थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो नया रेट डाल दिया मैंने इस पर मार्केट में चार डॉलर का बिक रहा है हम बेच देंगे इसे फोर पॉइंट टू फाइव का के ये हमारी वही चीज़ वैसी कि वैसी बिक रही है मार्केट रेट इसका पाँच डॉलर है हम पूरा एक डॉलर कम बेच रहे हैं जो कि मुझे लगता है कम हम बेच रहे हैं क्योंकि यार डेली एक्सपेंसिव भी है रेंट वगैरह भी हम शॉप का देते हैं तो हम इसको बेच देंगे फाइव पॉइंट सिक्स फाइव का इसमें से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा टू पॉइंट सिक्स सिक्स डॉलर्स का ओपन अब चलो भाई यहाँ खड़े होते हैं ओए होए गए गेम लैग गेम लैग अब देखेंगे कौन कौन आता है हमारे पास आ आ आ जाओ 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 आज लेट्स गो <laughs> ओह आगे आगे अंकल जी आ आगे अंकल जी शुक्रिया क्या लेना चाहेंगे आप अंकल जी अंकल जी लेना चाहेंगे शुगर पाउडर ठीक है भाई रुपया दे रहा है इसको हमने पाँच डॉलर और ट्वेंटी फाइव सेंट्स वापस करने होगी चल भाई निकल यहाँ से अप्रूव <laughs> अंकल जी आ जाएँ आ जाए आ जाएँ राशन वाशन ले जाएँ घर के लिए फूल मैं कहता हूँ आप मेरे साथ डीले शीले करें मैं आपको थोड़ा सामान सस्ते में लूँगा मेरे से राशन ले जाया करें भाई आपकी बेगम खुश हो जाएंगी अंकल क्या कहते हैं निकल पहली फुर्सत में निकल ये इसके ट्वेंटी फाइवेंट वापिस प्रूफ चल निकल मतलब अंकल वापस आइएगा कि <laughs> यार मेरी इनफ सेल हो गई है मेरे ख्याल से अब और बंदे भी नहीं आएंगे मैं दुकान क्लोज कर देता हूँ अभी फिनिश डे नहीं करेंगे पहले हम लाइसेंस खरीदेंगे अपना परचेज प्रोडक्ट लाइसेंस अच्छा प्रोडक्ट लाइसेंस कहाँ से लेते होते हैं मैनेजमेंट में शायद मैंने लाइसेंस लेना है प्रोडक्ट लाइसेंस प्रोडक्ट लाइसेंस ये तो अलग अलग तरह के हैं ये दो डॉलर का कोई है अच्छा मैं कौन सा वाला खरीद सकता हूँ रिक्वायर स्टोर लेवल प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग कंप्यूटर भाई मैं अभी खरीद ही नहीं सकता प्रोडक्ट लाइसेंस भाई नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं अपना एंड ऑफ डे करते हैं ओके ब्रो एंड ऑफ डे हो गया अब हमने शायद कुछ अच्छा प्रॉफिट वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थर्टी भाई इस बार ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है कीमतें मैं यही रखूंगा सब कब कुछ एट्टी प्लस हो गया पॉइंट्स हमारे स्टोर लेवल में पहले लेवल थ्री करना होगा हमें आज के दिन ना हमारा जो टास्क है डे थ्री पे 200 डॉलर कमाने हैं ओके मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए नहीं थे मैं अभी प्रोडक्ट्स मंगवा लेता हूँ अन्य पा देनी है हम हर चीज़ ख़रीदेंगे हर चीज़ ख़रीदेंगे ब्रो बहुत पैसा है बहुत मड्डी है ओके अच्छा अभी भी मेरे पास ट्वेंटी वन डॉलर रिमेन करता है भाई हर चीज़ का एक एक खरीद लेते हैं अभी ये ट्वेंटी फोर वन डॉलर में कहता हूँ अपने पास रहने दो या किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दूँ भाई ब्रेड इतने लोग मेरे हिसाब से नहीं खरीदते बस ख़रीदते हैं जूस भी बस ठीक है एक ब्रेड बढ़ा देते हैं पाँच डॉलर रहता है कोई मसला ही नहीं परचेज अभी देखना कितना सामान आता है मेरे पास भाई भाइयों मैं आ रहा हूँ अपना सामान उठाने ओ भाई टावर मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैंने अगर ज़्यादा सामान खोल तो यूँ 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 ऊपर यू सूरज तक चल जाएगा ओके तो अपना सामान उठा उठा के ना अबे मेरे मुंह के आगे से कहाँ जा रहा है चुप करके बह जिनी तेरी कहा तो उठे रह तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है छोड़ा <laughs> लिए शॉप ओपन करते हैं चलो भाई अपनी लाइसेंस खरीदना आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है चलो भाई ओपन होगी शॉप अब हम क्या करेंगे यहाँ खड़े होके इंतजार आज के दिन बड़ी सेल की है फिर भी मेरे शेल्फ्स पर अभी भी चीजें पड़ी हुई हैं एक चीज अब मुझे समझ आई है ये जो है ना ये चुकू-चुक इसी चीजें से है, है। <laughs> ये इतने नहीं बिकते ब्रेड भी एवरेज ही बिकती है बिकती हैं दो चीज़ें फ्लोर और वो जो मैंने वो नीचे रेड चीज़ रखी थी क्योंकि वो सारी बिक गई वो सारी की सारी चली गई वो चीज़ बिकती है और ये 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 शुगर पाउडर बिकते हैं तो ज़्यादा आपसे मैंने ये ख़रीदने हैं इनके दो दो पैकेट अब ब्रेड तो मैंने अभी ख़रीदनी है नी नहीं, नहीं है ना उनको तो मैं टेकआउट नहीं कर सकता ब्रेड को मैं कि इन्हें यूँ सीधा करके रख रखूँ अच्छा अब मैं देखता हूँ मेरे पास बैलेंस में कितने पैसे हैं यहाँ से अभी पहले ये अपना क्रॉस कर दो और बैंक में चलो यहाँ से हमें पता नहीं लगता कि हमारा बैलेंस कितना है ओके हम हाँ रिक्वायर्ड स्टोर लेवल थ्री है हमारी स्टोर लेवल थ्री के स्टोर का लेवल ये नहीं पता कहाँ से देखते हैं कस्टमाइजेशन में कमिंग सोन स्टोरेज इज़ लॉक्ड स्टोरेज भी हम खरीद सकते हैं भाई छः हज़ार डॉलर की हायरिंग हम बंदे भी हायर कर सकते हैं लेकिन हमें ना कंप्लीट चेकआउट्स अभी तक मैंने फिफ्टी वन चेकआउट्स किए हैं ग्रोथ ये भी अभी अनलॉक होगा अभी हमारा ज़्यादा कुछ अनलॉक हुआ नहीं है बिल्स रिसेंट अच्छा ये बिल्स मैं अपने पे कर देता हूँ डे टू डे सिक्स तक डे सिक्स तक मेरे पास ड्यू डे है अभी मेरे पास ये डे मेरे पास डे थ्री है अभी ये वाला डे एंड हो जाएगा ना तो अगली वीडियो में तो हम डे थ्री से स्टार्ट करेंगे तो अभी मैंने बस लाइसेंस खरीदना था मैं पहले अपना वो चेक कर लेता हूँ क्या कहते हैं उसे बैलेंस मार्केट में जाएंगे अपना यहाँ से ऐड टू कार्ट पे जा कर देखेंगे हमारा बैलेंस कितना है बैलेंस हमारे पास है वन नाइन्टी फोर डॉलर्स ये भी मैं ख़त्म कर दूँ वन नाइन्टी फोर है हमारे पास टोटल छः डॉलर नहीं है मैं वो परचेज कैसे करूँगा लाइसेंस यार मैनेजमेंट में जाके लाइसेंस में नहीं कर सकता मेरे पास स्टोर लेवल थ्री का है पर ये मैं परचेज नहीं कर सकता तो डे थ्री को अपने अपने डे टू को एंड करते हैं डे टू एंड इसके स्टेटक्स देख लेते हैं हम अच्छा वो प्रोडक्ट रेड वाला जो ख़त्म हो गया था वो वाला प्रोडक्ट नॉट फाउंड हुआ है शॉर्ट बाकी सब कुछ ठीक है पॉइंट्स इस बारी बड़े मिले हैं सप्लाई कोर्स इतना टोटल प्रॉफिट वन नाइनटी फोर का टोटल प्रॉफिट सिक्सटी एट डॉलर्स अब मेरे पास इतना है भाई पैसा कमा रहे हैं हम ऐसा ऐसा मैं और भी पैसा कमाऊंगा तो भाई मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है अगली वीडियो में हमने अपना लाइसेंस भी खरीदना और भी बड़े काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली गेम पसंद आई होगी मुझे तो ये गेम काफ़ी अच्छी लगी है इस पर आप आगे वीडियोस तो आएंगी फ्यूचर में और अगर आपको ये गेम पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर कोई इस गेम पर रिव्यूज़ हैं तो अपने कमेंट्स में भी बताएँ तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय